First of all, I wish you a very happy Dashera. May all your tensions burn along with the effigy of Ravana, and may you lead a blissful and peaceful life. Once again, very happy Dashera. Friends, आज हम दशहरे के विषय में ही कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। जैसे दशहरा जो मनाया जाता है वो भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो अवतार जो वर्ड है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनकार्नेशन। उसके बाद भगवान राम को वनवास मिला, वनवास को हम कहते हैं एग्जाइल टू फॉरेस्ट। उसके बाद माता सीता का अपहरण हो गया, आप जानते ही हैं अपहरण को कहते हैं किडनैपिंग। उसके बाद भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हुआ, युद्ध को आप जानते ही हैं, युद्ध को हम कहते हैं वार। युद्ध के जीतने के बाद उसकी खुशी में ये परंपरा हर वर्ष चली कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पुतलों को हम इंग्लिश में कहते हैं एफिजी। अपने वनवास के दौरान भगवान ने तपस्या की, तपस्या को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेट। उन्होंने वहां पर राक्षसों का संहार किया, राक्षसों को कहते हैं डेमन। उन्होंने राक्षसों का विनाश करने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, दिव्यास्त्रों को कहते हैं डिवाइन वेपन्स। माँ सीता को ले जाने के लिए रावण ने वायुयान का प्रयोग किया, वायुयान को इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन। और दशहरा मनाते हुए शाम के वक्त रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पुतलों को जलाने की इंग्लिश होती है इंसिनरेशन। तो इस तरह से हमने आज रामायण से, राम से संबंधित, दशहरे से संबंधित कुछ नए वर्ड्स को सीखा। उम्मीद है आप उनका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।